देखिए यहाँ पे x क्यूब दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी बता देता हूँ। लेट fx इक्वल टू x क्यूब, a इक्वल टू है 0 और b इक्वल टू है 2, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, और n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0, ठीक है। तो एन एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0, यानी एन एच का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अब आगे देखिए, f f क्या x की जगह क्या, हाँ चलिए भैया, a प्लस आर एच ना, चलिए, यानी 0 है a का वैल्यू, तो आर एच हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आर एच का क्यूब, यानी कि आर क्यूब एच क्यूब। अब देखते हैं, हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें निकालना है 0 से 2 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ही ना समाकल निकालना है जी। चलिए चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, आर क्यूब एच क्यूब, आर क्यूब एच क्यूब, ठीक है, एच क्यूब तो बाहर निकल जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, एच का पावर 4 सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब होगा, तो आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0, एच का पावर 4, यहाँ पे आर क्यूब है ना जी, आर यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो ना, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना, तो इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो मैं इसे एच स्क्वायर इंटू में n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करूँ, तो एक ही बात है, पावर 4 ही ना होगा एच का पावर 4। चलिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एच को, लिमिट एच टेंस टू 0, एन एच और फिर एक एच को अंदर ले जाता हूँ, तो एन एच प्लस एच बट्टा में 2 का स्क्वायर, एन एच का वैल्यू आपका 2 है, 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए एन एच का वैल्यू ऊपर आपका 2 ही था, एन एच का वैल्यू 2 था, मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन नंबर